और आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास का ईवीएस का अपडेटेड सिलेबस लेके आई हूँ। किसमें क्या पढ़ाना है, बच्चों को क्या लिखवाना है, क्या कराना है। मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है मेरे बेटे के स्कूल की है, इसलिए मेरे से कोई प्लीज ऑनलाइन लिंक नहीं मांगिएगा। जस्ट ये इस रेफरेंस के लिए होती है कि मैं आपको बता सकूं कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं और क्या क्या पढ़ाना है। सिलेबस वही रहता है लेकिन लोगों को कई बार कंफ्यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करवाना है, माई सेल्फ। ये हर बार होता है, अभी तक 2-3 लाइन्स थी, अभी ऐसा है। तो इतना बच्चे को वर्बली लर्न भी होना चाहिए, जैसे माई नेम इज, आई एम इतने ईयर्स ओल्ड, आई स्टडी इन माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम, जो भी है। तो इतना बच्चे को लर्न होना चाहिए, आई लिव इन, आई लाइक टू डांस एंड कलर, इस तरीके से। अब जैसे ये माई स्कूल में कैसे क्या है, जैसे बच्चे को ऐसा आना चाहिए, इन माई स्कूल देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि माई स्कूल में क्या क्या है। तो उनको आपने बोलना सिखाना है इस बार, और इस बार कोई वर्ड्स नहीं सिखाने, सिर्फ कि प्रिंसिपल ऑफिस, रिसेप्शन, आपको उनको सेंटेंस सिखाना है, सेंटेंस में फोकस करना है। इन माई स्कूल देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफिस, देयर इज अ रिसेप्शन, क्लासरूम, लाइब्रेरी एंड अ प्ले ग्राउंड, म्यूजिक रूम, इस तरीके से सिखाना है, ठीक है। जैसे फिर जैसे आप बच्चे से ओरली पूछ सकते हो, हु टीचेज यू इन स्कूल, टीचर टीचर्स इन माई स्कूल, या इस तरीके से, वेयर डज योर टीचर टीच, कहाँ पढ़ाती है, क्लासरूम में, वेयर डू यू रीड बुक्स, कहाँ पढ़ते हो आप लोग, लाइब्रेरी में, वेयर डू यू प्ले, प्ले ग्राउंड में। अब आती है माई बॉडी पार्ट्स की, माई बॉडी पार्ट्स बच्चा नर्सरी क्लास से पढ़ने लगता है, इवन पीजी से पढ़ने लगता है। लेकिन अब की क्या इम्पोर्टेंट है, बच्चे को 10, मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से आप 10 कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए जो इजी स्पेलिंग्स हो। बच्चे को आपकी स्पेलिंग्स लर्न करनी है, अभी तक स्पेलिंग लर्न नहीं करनी थी, तो एटलीस्ट 10 स्पेलिंग्स बच्चे को आनी चाहिए, जिससे कि वो बॉडी पार्ट्स में लिख सके। फिर ये तो वर्कशीट्स हैं, मैं आगे दूंगी भी आपको वर्कशीट। फिर अब देखिए किस तरीके के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो रिप्लाई है पूरा सेंटेंस में आपको बच्चे को देना है। विच पार्ट ऑफ द हैंड इज यूज टू नॉक अ डोर, नकल्स आर यूज टू नॉक अ डोर। व्हाट इज द बैक ऑफ द फुट जस्ट बिलो द एंकल कॉल, अंकल के नीचे को क्या कहते हैं, इस कॉल्ड द हील। तो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन है, मैं आगे दूंगी वर्कशीट बनाऊंगी, तो इस बार ऐसे पूछना है। फिर सेंस ऑर्गन, तो बच्चे को इतना पूरा बोलना आना चाहिए कि वी हैव या आई हैव 5 सेंस ऑर्गन, दे आर आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, आई सी। जैसे आप बच्चों को सिखा रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, आई सी विद माई आईज, या फिर अवर आई हेल्प अस टू सी, अवर नोज हेल्प अस टू स्मेल, अवर हियर हेल्प अस टू हियर, टंग हेल्प अस टू, तो इस तरीके से। फिर ये वर्कशीट इस तरीके से होती है जो बच्चे कर लेते हैं। इस बार उसी को एलाबोरेट करके, जैसे अब टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट मतलब टंग वाला उसमें आ रहा है, तो उसमें आपको ये जो है टेस्ट वो भी बताने, जैसे स्वीट, मीठा, स्पाइसी, बिटर, सॉल्टी, सोर, तो आपको ये भी बताने हैं। उसके बाद जैसे टच फील वाली चीजें आ रही हैं, तो फिर सॉफ्ट, हार्ड, कोल्ड, वेट, ड्राई, तो ये नई चीजें बच्चों में इन्वॉल्व होती है, कि आपको डिफरेंस भी बताना है, सॉफ्ट क्या है, हार्ड क्या है, कोल्ड, वेट, जो भी है, इस तरीके से करना है, ठीक है। फिर देखिए ये छोटे छोटे सेंटेंस हैं जो बच्चे को बोलने हैं, और इसकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है, जो ये है उसकी स्पेलिंग लर्न करनी। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, सेंस ऑर्गन बच्चों को आते हैं, एलकेजी से स्टार्ट हो जाता है, बट इस बार स्पेलिंग लर्न करनी। आई स्मेल विद माई नोज, आई वॉक विद माई फीट। साथ साथ बच्चा अभी जैसे यूकेजी में कैपिटल कर्सिव आएगा, इसलिए अभी स्मॉल कर्सिव से ही पूरा लिखेगा, उसके बाद कैपिटल कर्सिव से जब हम बच्चे को सिखा देंगे, यानी वो जुलाई अगस्त से बच्चा लिखना स्टार्ट कर देता है। तो आई वॉक विद माई फीट, आई ईट विद माई टीथ, आई फील विद माई स्किन, आई लाइट विद माई हैंड, तो इस तरीके से। नेक्स्ट इमोशन, तो बच्चे को इमोशन पता होने चाहिए, मतलब उनको मतलब पता होना चाहिए, हैप्पी, सैड, एंग्री, बोर्ड, स्केर्ड, एक्साइटेड। तो ये देख लीजिए मेरे बच्चे की ड्रॉइंग है ना। कलर्स, रेनबो के कलर्स बच्चे को आने चाहिए, कौन कौन से होते हैं विप्योर पता होना चाहिए, तो वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ईवीएस में अच्छा खासा सिलेबस है, प्लस इंग्लिश में अच्छा खासा सिलेबस, मैं आपको बता दूं। उसके बाद बच्चे को आपने पूछना है हाउ मेनी कलर्स आर देयर, मतलब इस तरीके से ही आपको पूछना है, बच्चे को जैसा कम्प्लीट आंसर लिखा है इस तरीके से ही रिप्लाई करना है, लर्न नहीं करना है, बट आप उसको समझाइए, ठीक है, देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो, ऐसा, ठीक है। फिर गुड मैनर्स, बैड मैनर्स में कुछ आएगा, तो बैड हैबिट्स क्या होती हैं, तो जैसे गुड लिखना है, बी लिखना है, इसकी मैं सब वर्कशीट्स आगे दूंगी, मैं सिर्फ अभी सिलेबस आपको बता दूं। फिर पेट एनिमल्स आप बच्चे से पूछेंगे तो वो खूब आराम से बता देगा, 10 नाम्स बता देगा, लेकिन इस बार हमें क्या है 5 मिनिमम 5, जैसे मैंने बॉडी पार्ट्स में वहां 10 कहे थे, 10 नहीं बच्चा लर्न कर पा रहा, तो 5, बट मिनिमम 5 तो आपको करवाने ही है। डॉग, कैट, रैबिट, जो घर के अंदर रखते हैं पेट एनिमल्स, ठीक है,
डॉग कैट रैबिट फिश टॉर्टोइस, तो उनकी आपको बच्चे को स्पेलिंग जो भी आपको मतलब बच्चे को इजी लगता है वो पेट एनिमल्स की आपको स्पेलिंग लर्न करवानी है। इसी तरीके से एक्वाटिक एनिमल्स, बच्चे को पता होता है वाटर एनिमल्स या एक्वाटिक एनिमल्स, बट आपको इस बार फाइव, इसीलिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, फाइव आपको स्पेलिंग लर्न करानी है जो बच्चा लिखेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, उसके बाद इसी तरीके से वाइल्ड एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स इन्होंने काफी सारे ऐसे दिखाए हैं, बट प्रैक्टिस के लिए फिर फाइव ही दिए हैं। जो आपको इजी लगता है आप वो करो, लायन इजी लगता है, डियर इजी लगता है, बियर इजी लगता है, आप वो प्रैक्टिस कराओ। बट बच्चे को इस बार आपको लिखना है राइट फाइव वाइल्ड एनिमल्स नेम्स, तो बच्चे ने फाइव लिखने हैं, यूकेजी का यही सिलेबस है। इसी तरीके से डोमेस्टिक एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, या तो घर में रखे जाते हैं या फार्म में, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे जो भी होते हैं फाइव आपको इसीलिए इसमें यूज करने हैं, जैसे गोट, काउ, शीप, डोंकी, हॉर्स, इस तरीके से। अब जैसे क्या, अब इसी में फिलिंदा ब्लैंक्स कैसे आएंगे, द एलिफेंट इज ए कौन सा एनिमल है, वाइल्ड एनिमल है कि कौन सा है, तो वाइल्ड एनिमल, फिश लिव्स इन वाटर, आप ये देख सकते हैं। फिर ये देखिए वो फिलिंदा ब्लैंक्स वाले जिसमें आपको एक एक अल्फाबेट लिखना है, ये अब स्टार्ट होगा यूकेजी क्लास में, अभी तक नहीं था। थ्री लेटर वर्ड से आप स्टार्ट करिए, ये लेके जाइए बच्चों की हैबिट में लाइए, ये किस चीज की स्पेलिंग है, इसी से बच्चे बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने करा है, अब देखिए उसी में एनिमल्स में, विच एनिमल गार्ड्स अवर हाउस, डॉग गार्ड्स अवर हाउस, विच एनिमल कैरीज लोड, डोंकी कैरीज लोड, विच एनिमल कैचेस माइस, तो ये आगे करवाऊंगे। जब एनिमल्स आपके ये कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आप करवाएंगे एनिमल्स और एंड देयर होम्स, जो कॉमन एलिमेंट या फिर जो एनिमल्स आपने लर्न करवाए हैं, जिनकी स्पेलिंग लर्न करवाई है, उसके ही आप होम्स करवाएंगे, जैसे काउ, डॉग, लायन, हैन, कैट, मंकी, एलिफेंट, बर्ड, हॉर्स, इनके आपको होम भी लर्न करवाने हैं, ठीक है। जैसे आप अ मंकी ईट बनाना, टिक द करेक्ट आंसर अब आ गया, इंट्रोड्यूस होगा अ मंकी ईट बनाना या फ्लैश, क्या खाता है, बनाना, ठीक है। ऐसे ही उनका फूड आ गया है, आपको उनका फूड करना है, मतलब काऊ के एनिमल्स का होम हो गया, एनिमल्स के बेबी एनिमल्स का फूड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, एनिमल्स के बेबी कॉमन, ये भी करने है। मतलब ये देखिए आप, हॉर्स एंड फोल, काऊ एंड काफ, रैबिट का बेबी बनी, डियर का बेबी फॉन, गोट का बेबी किड, लॉयन का बेबी कब, हैन का बेबी चिक, डक का बेबी डकलिंग, कैट का किटन, डॉग पप्पी, शीप लैम्ब बफेलो का, इस तरीके से। तो मैचिंग है, इसी में देखिए ट्रू फॉल्स अब आएंगे, मतलब यही यूकेजी से ही आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है, गोट बेबी इज कॉल्ड अ किड, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो यही आपने ऐसे इस तरीके से बच्चों को चीजें बतानी है। अब देखिए मैं बता दू, एनिमल, बेबी, होम, फूड और साउंड। डॉग, डॉग का बेबी क्या होता है, पपी, देन उसका होम होता है कैनल, फूड क्या पसंद करता है, बोन, और क्या उसका साउंड होता है, बार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया है। तो आप ये देख सकते हो यूकेजी के सिलेबस में क्या क्या, डॉग, कैट, काऊ, गोट, शीप, लायन, मंकी, एलिफेंट, हॉर्स, डक और हैन के तो बेबी याद करने हैं, होम याद करना है, फूड याद करना है और साउंड याद करना है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आंसर भी बन जाते हैं, व्हाट इज अ डॉग्स बेबी कॉल्ड, पप्पी, वेयर डज अ डॉग लिव, वेयर व्हाट डज अ डॉग ईट, व्हाट इज द क्राई ऑफ डॉग कॉल्ड। तो मतलब चार क्वेश्चन, फोर क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ऐसे करना है। रेप्टाइल्स में भी आपको फाइव स्पेलिंग से लर्न करवानी, क्रोकोडाइल, स्नेक, जो भी आपको इजी लगती है आप वो लर्न करवाइए, और इसी में आप बच्चों को क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं। जैसे नेम अ ग्रीन कलर रेप्टाइल दैट लिव्स ऑन लैंड एंड वाटर, बोथ ऑन वाटर, क्रोकोडाइल दोनों जगह रहता है। तो ये मैं, ये जो सिलेबस है, मैं कुछ पार्ट्स में बताऊंगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसमें अभी बेसिकली हमने कवर किया है माइसेल्फ बताएंगे आप, माइसेल्फ के बाद बॉडी पार्ट्स बताएंगे, बॉडी पार्ट्स के बाद आप सेंस ऑर्गन बताएंगे, सेंस ऑर्गन्स के बाद जो उसके सब पार्ट्स आप कह सकते हैं वो बच्चे को अच्छे से लर्न करवाएंगे, देन आपका आ जाता है इमोशंस, और इमोशंस के बाद कुछ ये आपका आएगा रेनबो पे, और फिर एनिमल्स पे पूरा स्टार्ट हो जाएगा। इसका जो फर्दर पार्ट है वो मैं अपने फर्दर सिलेबस है वो अपने नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अपने बच्चों के लिए हेल्पफुल लगा होगा। मैं आगे इसके सारे वर्कशीट्स लेके आऊंगी एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास के लिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक थैंक यू, टेक केयर।